हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ निफ्टी। लेके आया हूँ निफ्टी, जो 23rd के लिए क्या व्यू रहेगा 23rd का। तो आप देखेंगे आज तो निफ्टी में आज 58 पॉइंट की गिरावट हुई है, और आप देखेंगे तो 0.57 की गिरावट हुई है, और क्लोजिंग जो है निफ्टी की 10,245 पे हुआ है। अगर देखेंगे एडवांस डिक्लाइन तो 18 शेयर इसके गिर के हुए हैं, और 18 से बड़े स्क्रिप्ट जो बढ़े हैं और 23 स्क्रिप्ट गिरे हैं, और एक स्क्रिप्ट अनचेंज है। देखेंगे तो जो गेनर है इंडिया बुल हाउसिंग है, ICICI बैंक है, आइसर मोटर है, NTPC है और बजाज ऑटो है, ये सब गेनर में है। और जो लूजर में है वो है इंडसलैंड बैंक है, BPCL है, अल्ट्राटेक है, रिलायंस और एशियन पेंट है। इस समय गिरावट दिखाई, सबसे ज़्यादा इंडसलैंड बैंक आज गिरा है। आज ने अच्छे खासे नेगेटिव नेकओवर को तोड़ा है, तो अच्छा खासा गिरावट भी देखा है। ऑयल सेक्टर में वापस क्रूड बढ़ रहा है, तो इसके चलते ऑयल सेक्टर में वापस आपको वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो एक बार ओपिनियन बनाते हैं कि अब क्या दिखाएगा, कल क्या दिखा सकता है, क्या और भी। अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे विक्स वापस 21 पे पहुँच चुका है। जितना हाई ये जाएगा उतना वो मार्केट गिरेगा, तो यहाँ से लगता है कि कल का भी मार्केट थोड़ा निगेटिव ही दिख रहा है जैसे यहाँ है। और हो सकता है कि इस वीक की एक्सपायरी आपको 10,500 के राउंड, 10,400 के राउंड में ही दे आपको। तो निफ्टी में देखेगा तो सारे इंडेक्सेस रेड निशान पे हैं, और सबसे ज़्यादा गिरावट आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में हुआ है। और अगर सेक्टर वाइज देखें तो आप सेक्टर वाइज में ऑटो और फाइनेंस सर्विसेज में थोड़ा गेन है, अदरवाइज सारे सेक्टर आपको गिर के मिले हैं। सबसे ज़्यादा मीडिया सेक्टर वापस आज गिरा है, और उसके बाद आगे 1.49% गिरा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे PSU बैंक गिरा हुआ है। ये सारे सेक्टर में आप देखेंगे तो गिरावट के साथ यहाँ पे बंद भी, चाहे बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विस आपको बताया कि बढ़ के हुआ है, FMCG गिर के बना हुआ है। अगर निफ्टी 50 में जाकर के हम देखें जाकर के, तो निफ्टी 50 में देखें तो अब देखिए एडवांस 16 है, डिक्लाइन 33 है। इसमें देखिए इंडिया बुल सबसे अच्छा का अप सेक्टर अप पे रहा है, और 58 पॉइंट के साथ 8.9% के साथ ऊपर की ओर रहा। ICICI बैंक 12 रुपये, आइसर मोटर 871 रुपये के साथ आज जो बनाया है, इसकी क्लोजिंग 22,497 पे हुआ है। तो आप ये देखिए अच्छे रहे, अच्छा खासा इसमें हो रहा। HDFC में वापस आज प्लस हुआ है, और ये अपने नियरेस्ट मैंने कि समझिए कि लो के आसपास जा रहा था, तो यहाँ पे अब गेन HDFC में वापस गेन देखने को मिली है। और आप जो देखेंगे तोड़ के जो जो गिरा के बंद हुआ था, ये देखिए बजाज फिंसर्व 149 पॉइंट तोड़ा है 2%, ये कोटेक बैंक 34 रुपया, एशियन पेंट 38 रुपया, रिलायंस 38 रुपया, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए 142 रुपया तोड़ा है, और इंडसलैंड बैंक देखिए 109 रुपया तोड़ा है, 6% 7% तोड़ा है, और क्लोजिंग 1467 में इन्होंने दिया है। तो ये कुछ गिरावट रहा। और ये कुछ देखिए टाटा मोटर्स अपने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शेयर तो गया लेके डूबा, अब 170 पे तो पहुंच ही चुका है। तो ठीक है, अभी 155 आपको दिखाई देगा ये, और नया हर बार नया, आज का देखिए नया 52 वीक लो बनाया 170 पाँच का, आज ही का लो है, तो बनाने दीजिए इसको नया लो। और ग्रासिम भी देखिएगा अपने हाई से, अब 1300 के हाई से अब जाके 852 के नियरेस्ट में, अब ये भी जा रहा आज का, ग्रासिम ने भी 52 वीक लो बनाया है। और दूसरा देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट भी 4,600 से अभी चल गिरते हुए ये 3,446 पे आज ही की लो को बनाया है इसने, आज ही 52 वीक अल्ट्राटेक सीमेंट बनाया है, और सीमेंट सेक्टर वापस गिरावट की संभावना देखने को मिल रही है। चलिए एक बार अगर इसको हम पुट कॉल के से अगर देखने की कोशिश करें कि क्या पुट कॉल में क्या दिखाया जा रहा है, तो पुट कॉल में जो देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन, और पुट साइड में आज पूरा ग्रीनरीज दिखने को मिल रही है, और यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे आप ये देख लीजिए 10,245 पे क्लोजिंग हुआ 22 अक्टूबर को। ये 25 अक्टूबर का निफ्टी का कॉल हम बात कर रहे हैं, ये पुट है और ये कॉल है। तो आप देखेंगे पुट साइड में आज थोड़ा आपको पैसा मिला होगा, और कॉल साइड में आपको शॉर्ट किया होगा तो पैसा मिला होगा, अदरवाइज यहाँ लॉस हुआ होगा, यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। अब जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स कहाँ से कहाँ पे रेंज कर सकता है, वो 10,000 से आप देखेंगे तो 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड है, और अगर आप देखें तो 3,27,000 का एडिशन हुआ है। वहीं पर आप देखें 10,100 पे तो 21 लाख का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है 2,52,000 का, और सबसे ज़्यादा आज 10,200 पे 7-8 लाख ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम हुआ है, ऐड हुआ है, और टोटल क्यूमुलेटिव 34 लाख है। तो नेरो अगर आप बात करें तो ये आपको 34 लाख का यहाँ पे 10,200 पे दिख रहा है, 10,300 पे भी एडिशन हुआ 3 लाख का, और बाकी 10,400 और 10,500 से राइटिंग हो रही है, मतलब ये अब नीचे की ओर सरक रहा है। अब जो बेस बन गया 10,200 का बन गया, अब 10,200 बहुत ही क्रुशियल लेवल हो गया, 10,200 तोड़ता है तो 10,100 पे चला जाएगा,
और अब 10,000 का बेस बन गया, मतलब अब 10,000 का भी चांसेस अब बढ़ गए, तो 10,000 के पुट पे आप बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिल सकता है। तो 10,000 का आपको ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो मिल रहा है आपको 26.05 रुपये मिल रहा है, तो अब इसको लगाइए आपको 1500 रुपये 1600 रुपये लगेगा आपको, इसको फायदा में देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। और अपर साइड में देखें तो अब अपर साइड में अनवाइंडिंग हो रही है, 10600 पे जो सपोर्ट था कल का वो टूट गया, और अब ये भी अब देखें 10700 अब टूट रहा है, और राइटिंग कहाँ पर हो रही है तो 10500 पे 3 लाख शेयर की, 10400 पे 3 लाख के शेयर की, और 10300 पे 481,000 की। मैंने कि अब सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट रहा 10500 पे रहा 41 लाख का, और अभी जो एडिशन आज हुआ है वो 10300 पे हो रहा है। तो जो रेंज बन के आ रहा है वो नैरो रेंज बन के आ रहा है, वो 10200 से लेकर के 10400 का रेंज बढ़ रहा है। अब 10200 से 10400 के बीच में ये हो सकता है, अगर इनको ऐसे ही एक्सपायरी देना है तो हो सकता है 10200 10400 के बीच में एक्सपायरी भी आपको निकाल के लोगों ने क्लोज कर दिया, ताकि इनको पुट साइड पे भी जो वैल्यू उसका भी चला जाएगा और कॉल साइड में भी जो वैल्यू है दोनों को जीरो वैल्यू पे ले जाएंगे, तो दोनों में किसी को नहीं मिलेगा, 10200 10400 में ये घुमाते रहेंगे और क्लोज भी कर देंगे। इसके एक बार चार्ट को अगर देखें, निफ्टी 50 के चार्ट को देख लेते हैं एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये लो बना रहा था ये 10, अगर आप देखेंगे तो 17 तारीख को इसने 10436 का लो बनाया, उसके बाद इसने 10249 का लो बनाया, और एक बार 10224 का लो बना रहा है। तो डेली एक नया लो बनाने का प्रैक्टिस चालू कर लिया है। हाँ, ये जरूर कहेंगे लास्ट मोमेंट में ये रिकवरी देकर के वापस ऊपर की ओर चला गया था, तो वापस ये निफ्टी अप ले लिया था, बट ये नए लो को पैटर्न दे रहा है। अब एक बार इसमें अगर हम जाएं तो एक बार हम एक काम कर लेते हैं कि मार्केट को भी देख लेते हैं कैसा चल रहा है, इंडिसेस दूसरे इंडिसेस क्या कैसे चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडिसेस फ्यूचर को भी देख लें तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि आप ये देखिए यहाँ पे ये इंडिसेस आपको देखने को मिल रहा है, ये पे थोड़ा ग्रीनिश थोड़ा कम वॉल्यूम हो रहा है, ग्रीन दिख रहा है तो पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे हो सकता है कि कल का मार्केट थोड़ा आपको पॉजिटिव 10300 के आसपास 10400 350 दिखाए, पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे कमोडिटी की बात करें तो कमोडिटी में अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड वापस 79-80 के नीचे ही दिखा रहा है, कुछ बढ़ गया था बट 80 के नीचे ही दिखा रहा है, और जो रुपये की ट्रेडिंग हो रही थी रुपये में भी थोड़ी सी गिरावट की जगह बढ़त होकर ही दिख रही है, तो रुपया भी आपको इंडिसेस में बढ़ा के ही दिखा रहा है। तो ओवरऑल अब खाली अगर इस मार्केट को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल इंडिसेस कैसे न्यूट्रल में ही करता है या कैसे कल क्लोज करता है, कल देखना पड़ेगा। एक बार SGX निफ्टी को भी देख लेते हैं, SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो SGX निफ्टी भी आप देखेंगे तो 1400 पॉइंट की गिरावट ही दिखा रहा है, तो ये भी निगेटिव ये न्यूट्रल है, तो मुझे नहीं लगता है कोई बिग फॉल तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि एक्सपायरी को उसको ऐसे ही 15 पॉइंट न्यूट्रल 20 पॉइंट करके 10100 10150 10200 ऐसे करके, लेकिन कल का 10200 का लेवल एक क्रूशियल लेवल अगर तोड़ता है तो नीचे की ओर जाने की संभावना और भी बना देगा वो, और कुछ नहीं करेगा। अगर इसके मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज इसका अगर वीकली चार्ट पे एक बार इसको मूविंग एवरेज को देख लेते हैं, एडजस्टमेंट होल्ड कीजिए इसके मूविंग एवरेज को, तो एडजस्टमेंट एक मिनट होल्ड कीजिए आप, अब आप देखिए 10428 10, ये सारे मूविंग एवरेज को तो नीचे ही तोड़ के काम कर रहा है, और 9 दिन के भी मूविंग एवरेज को 428 है उसको भी तोड़ के ही काम कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। अब इसके बार वीकली ट्रेंड को देख लेते हैं, वीकली ट्रेंड में क्या करता है ये, वीकली ट्रेंड में भी आप देखेंगे तो इसका जो है 100 दिन का डेमा है 10110 है, तो अगर ये 10110 तोड़ता है तो वापस ये 200 डेमा को टच करेगा जो 9252 है, इतना नीचे मेरा प्रेडिक्शन ही नहीं जा सकता है, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तो अगर वीकली बेसिस पे भी मैं देखूँ तो 10110 ये दिख रहा है,
तो एक बार 10 110 को सपोर्ट इसको लेता है, ले सकता है। तो मैं आपको जो बताया ना 10 200 से 10 400 का रेंज, ये इसी रेंज में 10 100 से 10 400 हो जाएगा, इसी रेंज में ये अप डाउन करके निफ्टी क्लोजिंग देगा, ऐसा मेरा अपना बिलीव है। मार्केट में तो आप देख ही रहे कोई चीज़ चल नहीं रहा है, एक ट्रेंड देखिए ये निगेटिव की ओर कैसे जा रहा है। थोड़ा आप लिया था, फेस्टिवल का सीजन था, शायद आप लेना था इसको। अगर इनको एक्सपायरी ऐसे करके देना है तो हो सकता है एक्सपायरी ऐसे से SGX निफ्टी जो दिखा रहा है जैसे निगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, जैसे 20-50 पॉइंट दे करके आज क्लोजिंग कर करके, जैसे आज आपकी क्लोजिंग दिया है इसने 58 पॉइंट नीचे, तो 10 200 कल 45 पॉइंट नीचे देगा, 200 पॉइंट पे देगा, लेकिन आपको जो 110 का जो आपको मैंने दिखाया, 52 वीक का जो आपको दिखाया मैंने, ये जो आपका आप देखेंगे 10 110, ये क्रूशियल लेवल है जो 100 EMA पे है वीकली चार्ट पे, यहाँ सपोर्ट जरूर ले लेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो 10 110 मेरा बिलीव है कि यहाँ नहीं तोड़ेगा, इसी बीच में 10 100 से 10 400 के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी दे देगा। ये सारे एजुकेशन पर्पज से दिया हुआ, किसी को कोई भी पोजीशन बनानी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाएं, और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।